जिससे कि मेरा सवाल है कि जैसे मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे कुरान हिफ्ज कुरान पढ़ रहा हूँ और जो है उर्दू वगैरह पढ़ता हूँ, तो जैसे मैं मेरा इरादा है कि मैं हाफिज बनूँगा इंशाल्लाह, और जो है इंशाल्लाह। मतलब मेरे घर वाले यानी हराम खा रहे हैं, यानी हराम हराम खा रहे हैं और मुझे भी खाना पड़ रहा है, तो और मैं काम आने का जो है चाहो तो कमा सकता हूँ पढ़ाई छोड़ के, तो मैं अगर ये खाऊंगा अभी तो हराम हो रहा है मेरे लिए, या मुझे पढ़ाई छोड़ कर जो है हलाल रिज कमाना चाहिए और खाना चाहिए, इसका वजह फरमा दीजिए सर। जी सर, सबसे पहली बात तो ये कि आपका ये कहना कि घर वाले हराम कमाते हैं, तो मेरा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप किसी आलिम दीन से जो आपके आसपास रहता हो, आप किसी से वो अपने घर वालों की कमाई का जो जरिया है उसके बारे में बात करें और उनसे पूछें कि क्या इस तरह कमा रहे हैं तो क्या हराम है। क्योंकि कई दफा नौजवानों को देखा जाता है वो जज्बात में आकर के वो जो है जो हलाल चीज है उसको भी वो समझते हैं कि वो हराम है। तो पहले तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि जो है क्या हकीकत में वो हराम है। दूसरी बात, अपने घर वालों को जो भी हैं आपके वालिद या भाई या जो भी हैं, अगर वो हकीकत में हराम काम से हराम कमाई लाते हैं घर में, तो आप उन्हें समझाइए, मना कीजिए अच्छे तरीके से, आप उन्हें समझाइए और आप उसमें ताउन मत कीजिए, किसी भी तरह से आप उसमें ताउन मत कीजिए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर आप समझाएंगे तो बात उनकी समझ में आएगी। अगर उसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं और आप चूंकि उस घर में हैं, आपको उसी घर में रहना है, खाना है, तो अगर आप कमा सकते हैं हलाल, अगर आप हलाल कमा सकते हैं तो आप हलाल कमाइए और हलाल खाइए। पढ़ाई कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है, पढ़ाई एक एक हद तक पढ़ाई वाजिब होती है, उसके बाद पढ़ाई वाजिब नहीं रहती है। तो दीन का जो बेसिक इल्म है उसको हासिल करना तो जरूरी है, वो आप काम करने के साथ साथ भी कर सकते हैं। तो अगर या आपके पास दो रास्ते हैं कि या तो मैं रिज़्क़े हलाल खाऊं या तो मैं रिज़्क़े हराम खाऊं और पढ़ाई कंटिन्यू रखूं, तो आप रिज़्क़े हलाल खाइए, पढ़ाई कम रहेगी तो चलेगा। जी भाई, जी शेख, शेख जी शेख, मतलब अभी मैं फिलहाल घर पे ही हूँ, अभी मैं फिलहाल कमाता नहीं हूँ, तो अभी जो है मैं बात किया हूँ किसी के, मैं कहाँ पे मोजिन या कहीं भी इमामत करूंगा, तो अभी कुछ देर है, बोल रहे हैं कि मैं ढूंढूंगा, तो अभी मैं जो है जो भी 2 4 दिन रहूँ, तो अभी मेरा खाना मतलब मैं खाऊंगा तो क्या इसके बारे में क्या है वो, मतलब अभी मैं कमाता नहीं हूँ, मेरा पैसा उसमें है इसलिए। जब तक आप अपना इंतजाम कर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं हो जा रहा है, जब तक आप वहां पे हैं तब तक खाइए, कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि ये काम आप जरूर कीजिए कि पहले तो कंफर्म कर लीजिए कि वो हराम है, दूसरे नंबर पर जब कंफर्म हो जाए तो आप उनको समझाइए।